हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक और ठंडी ठंडी रेसिपी लेकर आई हूँ मैं, होली स्पेशल, जो बहुत ही हेल्दी भी है और डिलीशियस भी है और बहुत ही नए तरीके से मैं बना रही हूँ। नॉर्मल ठंडाई तो होली पर सभी पीते हैं, लेकिन ये वाली ठंडाई एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा, बहुत पसंद आएगी आपको। तो उसके लिए मैंने ले लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स, और ये है सौंठ पाउडर, ये जिंजर का पाउडर रहता है जिससे, और जिसको सुखा के पीस लेते हैं इसको सौंठ पाउडर बोलते हैं। और ये नारियल को कद्दूकस कर लिया है, बादाम कट कर लिए, काजू और इलायची। तो इन ड्राई फ्रूट्स को आपको ले लेना है। और ये है एकदम चिल्ड आइस वाला ठंडा ठंडा दूध, और दो गिलास दूध मैं ले लूँगी। और मैंने ले लिया है जग, जग में डाल रही हूँ। आप भी कोई सा भी जग टाइप का ले लें या चौड़ा बर्तन जैसा भी है। तो दो गिलास ठंडा ठंडा मैंने दूध ले लिया है। और ये है गुड़, जिसको मैंने हल्के गुनगुने पानी में गला के रख दिया था, क्योंकि मिठास के लिए हमको गुड़ ही चाहिए, हम इसको शक्कर में बिल्कुल नहीं बनाएंगे, जिससे ये बहुत हेल्दी रहेगा। और ये है फ्रेश दही, तो जितना दही हमें लगेगा रेसिपी में उतना हम ले लेंगे। और ये जो गुड़ है उसको हम छन्नी में बहुत अच्छे से छान लेंगे दो बार में, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कचड़ा होता है और आप देख सकते हैं छन्नी पर कचड़ा आ गया है। तो मैंने दो बार अच्छे से घोल के छान लिया है। तो अब इसको कर देंगे मिक्स, और आप देखिएगा कि जो एकदम चिल्ड दूध है उसका कलर चेंज हो गया है। और ये है सौंठ पाउडर, इसको ऐड कर दूंगी। और जो भी ड्राई फ्रूट्स हमने लिए हैं उनमें से आधे आधे हम मिक्स कर देंगे। इलायची को हम छिलकों के सहित ही ऐड कर देंगे। और ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ज़्यादा घोलना नहीं है, क्योंकि शक्कर तो हमने डाली नहीं है, इसलिए ज़्यादा घोलने की ज़रूरत भी नहीं है। और अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी दही, दो से तीन चमचे दही हमको इसमें ऐड करना है। और ये जो ठंडाई बन रही है ये बहुत ही अनोखा टेस्ट आता है इसका। और इसमें जब हम दही ऐड कर देंगे तो ज़्यादा घुमाना नहीं है, क्योंकि जो दही के दाने हैं वो हमको दिखना चाहिए, तभी ये वाली ठंडाई बहुत अच्छी लगती है। इसको लस्सी की तरह बिल्कुल नहीं फेंटना है। और एक कटोरी भर के मैंने डाल दी है आइस क्यूब्स। तो एकदम ठंडी ठंडी ठंडाई हमारी बनके तैयार हो गई है, और आप देख सकते हैं कि दिखने में भी अच्छी लग रही है। और जो दही हमने ऐड किया है वो इसके ऊपर तैरने लगा है, तो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो ऐड मैंने और कर दिया है दही। तो इस बार आप ये वाली ठंडाई ज़रूर ट्राई करना, और मैं आपको सर्व करके दे रही हूँ। बहुत अच्छी खुशबू आती है सौंठ की, और बच्चे भी पी सकते हैं, बड़े भी पी सकते हैं, तो बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगी। और आप लोग जानते ही हैं कि गुड़ दही खाने से हमको कितना ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो इस रेसिपी को डायबिटीज़ वाले पेशेंट भी पी सकते हैं। और ऊपर से मैं डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट्स, डेकोरेट कर रही हूँ, और देखने में ही बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रही है। तो आप लोग इस बार होली पर नए तरीके की ठंडाई ज़रूर ट्राई करें। और अगर आप लोगों को ये वाली ठंडाई पसंद आई हो तो लाइक करना, और मेरे चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मैंने होली स्पेशल कई तरीके की रेसिपीज़ आप लोगों से शेयर की है, तो सारी रेसिपीज़ की लिंक मैं आप लोगों को एंड स्क्रीन में, डिस्क्रिप्शन में और आई कार्ड में दे दूंगी। और गर्मियों की कई तरीके की रेसिपी जैसे शेक, जूस, फ्रूट रायता, कई रेसिपीज़ आप लोगों के लिए अपलोड करनी हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल को फटाफट से कर लीजिए सब्सक्राइब। तो मिलती हूँ किसी नेक्स्ट रेसिपी में। बाय।